हेलो एवरीवन, सो लेट्स सी अ नेक्स्ट का एग्जांपल। अब ये क्या बोल रहा है कि विच हाइड्रोजन लाइक आयनिक स्पेशीज मतलब जेड की वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है, हैज़ वेवलेंथ डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज एंड फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इक्वल टू 59.3 × 10⁻¹⁹. तो जो हमारा वेवलेंथ का डिफरेंस बोल रहा है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन और फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर, उसकी वैल्यू दी हुई है और हमको जेड फाइंड करना है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट बाल्मर लाइन ऑफ सीरीज विद एटॉमिक नंबर जेड विल बी गिवन। तो सबसे पहले वेव नंबर का फॉर्मूला लिखते हैं हम। तो वेव नंबर इज आर जेड स्क्वायर 1/N1² माइनस 1/N2². अब फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन है बाल्मर है मतलब 3 से 2 में जा रहा है, तो N12 और N2 इज 3, तो ये हो गया हमारा। तो वेव नंबर हमारा क्या आ जाएगा, 5R(Z²)/36। ठीक है। तो ना सिमिलरली वेव नंबर ऑफ लाइमन लाइन की कैसे ढूंढेंगे हम, R(Z²)/Lyman बोल रहा है मतलब 2 से 1 में जा रहा है, तो 1/N1² माइनस 1/N2² जगह 1² और 2² आ जाएगा। तो दिस विल कम आउट टू बी 3R(Z²)/4। ठीक है। तो ये हो गया वेव नंबर दोनों का। अब वेव नंबर क्या होता है, 1/λ होता है, एज वी नो वेव नंबर इज 1/λ, और वेव डैश सेकेंड वाले का 1/λ- लिखते हैं हम लोग। तो दोनों का अलग अलग, एक का लैम्डा है एक का लैम्डा डैश है। तो अब लैम्डा डैश की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा डैश की वैल्यू होगी इसका उल्टा, इसके लैम्डा, इसका लैम्डा डैश का उल्टा। तो ये 36/5R² हो जाएगा, ये 36, दिस विल बी 36/5R² माइनस, अब लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा की वैल्यू हम ये रखते हैं तो 4/3R(Z², तो 4/3R(Z² यहाँ से। तो ये तो हो गया हमारा डिफरेंस ऑफ लैम्डाज। तो अब इसको अगर मैनिपुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो आई गेट 1/R(Z² कॉमन लेके 88/15R(Z²। तो 88/15R(Z², अब इसके अंदर मुझे R की वैल्यू पता है तो मुझे Z मिल जाएगा, और लैम्डा डैश माइनस लैम्डा की वैल्यू तो दी हुई है। ओके, तो मैं R(Z²को लिखूंगा 88/59, जो कि क्वेश्चन में दिया है 59.3 × 10⁻¹⁹, और इंटू आर की वैल्यू इज 15 × 1.097 × 10⁻¹⁹। तो ये हो गया हमारा Z²। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आई गेट दिस एज 9, अप्रॉक्सीमेटली 9 आएगा। तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, √9 विच इज़ 3। तो मैं बोल सकता हूँ कि Z का नंबर 3 है, तो ये लिथियम आयन होगा। राइट, थैंक यू।